हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पपीता खाने के बाद धुल कर भी न खाएं ये 6 चीज़ों को। नंबर 1, पानी का सेवन ना करें। पपीता खाने के बाद या फिर कोई भी फल खाने के बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पपीता अल्कलाइन होता है और यदि हम पानी पीते हैं तो यह एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पपीता खाने का कोई भी फायदा हमें नहीं मिलता। इसलिए पानी से परहेज करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। नंबर 2, केले से बनाएं दूरी। केला और पपीता को एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीते की प्रवृत्ति अलग होती है और केले की प्रवृत्ति अलग होती है। यह हमारे पेट में जाकर हमारे पेट को खराब कर सकते हैं, इसलिए हमें पपीते खाते समय केले से परहेज करना चाहिए। नंबर 3, नींबू से करें परहेज। नींबू हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु यदि आप पपीते का सेवन कर रहे हैं तो हमें नींबू का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और पपीता अल्कलाइन होता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए हमें नींबू खाने से परहेज करना चाहिए। हीमोग्लोबिन कम होने से आपको एनीमिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पपीता खाते समय या खाने के लगभग 5 घंटे बाद ही आपको नींबू का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, दही से करें परहेज। पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और कहीं भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है, परंतु हमें पपीते के साथ या फिर बाद में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पपीता गर्म तासीर का होता है और दही ठंडे तासीर की होती है। यदि हम इन दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए दही के आप 5 से 6 घंटे बाद ही खाएं। नंबर 5, संतरे से बनाएं दूरी। संतरा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतरा खट्टा होता है और पपीता मीठी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए हमें संतरा खाने से परहेज करना चाहिए। यदि आप खाना चाहते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटे अंतर रखना होगा। नंबर 6, करेले से बनाएं दूरी। कुछ लोगों को खाना खाने के साथ साथ सलाद खाने की आदत होती है, सलाद के रूप में फलों का प्रयोग करते हैं। यदि आप करेले की सब्जी खा रहे हैं तो पपीते का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि करेला कड़वी प्रवृत्ति का होता है और पपीता मीठी प्रवृत्ति का होता है, यह आपके पेट में समस्या कर सकते हैं। और जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।